दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना खुद का एंड कैलकुलेटर टूल बना सकते हैं। एंड कैलकुलेटर टूल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है जिसकी डिमांड इंजीनियरिंग सेक्टर में बहुत ही ज्यादा होती है। और अगर आपने 11th, 12th या फिर ग्रेजुएशन साइंस सेगमेंट से किया है, साइंस फील्ड से किया है, तो आपने एंड कैलकुलेटर के बारे में फिजिक्स के अंदर जरूर पढ़ा होगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं टोटली आपको बताऊंगा कि एंड कैलकुलेटर टूल की स्क्रिप्ट आपको कहां से मिलेगी, आपको उस स्क्रिप्ट से टूल कैसे बनाना है, आप अपनी वेबसाइट बना के उस टूल को उस वेबसाइट पे कैसे डालोगे, साथ ही आप उस टूल के जरिए उस वेबसाइट से पैसे कैसे अर्न करोगे। फुल मेथड में कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा। देखिए, चैट जीपीटी को कमांड देके उससे कोडिंग हर कोई नहीं करवा सकता। इस वजह से मैंने चैट जीपीटी से ऑलरेडी कोडिंग करवा के वो कोडिंग अपनी इस वेबसाइट के ऊपर आप सबके लिए पीडीएफ फॉर्मेट में डलवा दी है। सो आप यहां से डायरेक्टली कॉपी करके इस कोडिंग का यूज कर सकते हो, या फिर आप चैट जीपीटी से खुद भी इस पर्टिकुलर टूल के लिए कोडिंग करवा सकते हो। सिर्फ आपको कुछ कमांड देना है चैट जीपीटी को और चैट जीपीटी आपके लिए कोडिंग करके देगा। आपको बेसिकली चैट जीपीटी को कमांड देना है कि राइट ए कंप्लीट रेस्पॉन्सिव कोड फॉर एंड कैलकुलेटर टूल इन HTML विथ जावास्क्रिप्ट। आप चाहे तो इसमें CSS भी ऐड कर सकते हैं आपके इंटरफेस को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपके टूल के इंटरफेस को। सो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको टेक्निकल्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कैसे वेबसाइट बनाई जाती है, कैसे ऑनलाइन आपके पास पैसा आएगा, सारा मेथड आपको यहाँ पे इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो दिल थाम के बैठिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। सबसे पहले आपको अपनी एक वेबसाइट को क्रिएट कर लेना है। वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है उसके बारे में मैंने अपने कई वीडियोज में बताया है, आप चाहे तो उनको देख के अब तक सीख चुके होंगे। एंड अगर आप चाहे तो मैं अभी भी आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। देखिए, सिंपली आपको गूगल के ऊपर ब्लॉगर सर्च करना है। जब आप ब्लॉगर सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आपके सामने आएगी। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहां पे आपको क्रिएट योर ब्लॉग एंड साइन इन दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। दोनों में से किसी भी आप क्लिक करोगे तो आपके जितने भी जीमेल अकाउंट है सारे के सारे आपको यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। आपको उनमें से किसी भी एक जीमेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उनमें से कोई भी एक जीमेल अकाउंट सिलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये इंटरफेस जो है आपके सामने आ जाएगा, राइट। यहां पे आपको अपने ब्लॉग के लिए एक नेम सिलेक्ट करने का पूछा जा रहा है। सो हम यहाँ पे एंड कैलकुलेटर टूल बना रहे हैं तो हम यहाँ पे नेम भी एंड कैलकुलेटर ही रख लेते हैं। सो एंड कैलकुलेटर मैंने यहाँ पे नेम रख लिया एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमें अपने ब्लॉग के लिए URL टाइप करना है। सो यहाँ पे मैं एंड कैलकुलेटर URL बना लेता हूँ, endcalculator.blogspot.com। सेव पे क्लिक करेंगे। सो हमारा जो वेबसाइट है वो बनके रेडी हो चुका है endcalculator.blogspot.com के नेम से। एंड अब यहाँ पे देखिए, आपको कोई अच्छी सी थीम यहाँ पे लगा देनी है। कौन सी थीम आप लगाएंगे? सो यहाँ पे आप चाहे तो इस थीम को ट्राई कर सकते हैं, अन्यथा आप गूगल से बहुत सारी फ्री थीम को डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा इंटरफेस चाहते हैं। तो थीम लगाने के बाद आपको आ जाना है सेटिंग्स के अंदर। एंड यहाँ पे मैं जो सेटिंग्स बता रहा हूँ उनको पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन डालना है अपनी वेबसाइट के लिए। 500 कैरेक्टर तक आप जो है डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। सो इस टूल के बारे में, अगर आप इस टूल की वेबसाइट बना रहे हो तो इस टूल के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन डाल देना है। अब अगर आप चाहते हो कि आपका जो ब्लॉग है वो वर्ल्ड वाइड रैंक करे, तो यहाँ से जो इंग्लिश आपने UK की सिलेक्ट की हुई है इसको नॉर्मल इंग्लिश पे सिलेक्ट कर लेना है, ताकि ये इंग्लिश वर्ल्ड वाइड चले। UK की इंग्लिश अलग रहती है एंड US की इंग्लिश अलग रहती है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, राइट। यहाँ पे ये करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पे कमेंट मॉडरेशन का ऑप्शन मिलेगा कमेंट सेगमेंट में, इसको नेवर से ऑलवेज पे सिलेक्ट करके सेव कर देना है। नीचे स्क्रॉल करना है आपको एंड ये जो टाइम होराइजन है ये लॉस एंजलिस का यहाँ पे सिलेक्ट है। इसको आप सिलेक्ट रहने दे सकते हैं, क्योंकि आप जो है रैंक ही वर्ल्ड वाइड होना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ हिंदी में काम कर रहे हैं,
इंडिया के लिए बना रहे तो आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करिएगा, बट यहाँ पे लॉस एंजलिस रखेंगे तो यूएस के हिसाब से चीजें जो है गूगल को मिलेगी आपकी वेबसाइट पे। एंड मेटा टैग अगर अपन देखें तो आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है। ये इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे 150 कैरेक्टर तक सर्च डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना है, यानी कि आपको यहाँ पे अपने मेटा टैग ऐड करने हैं। जिन पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आप अपने टूल को रैंक करवाना चाहते हो वो कीवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। सेव पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करके आपको क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग के अंदर ये दोनों ही ऑप्शन इनेबल कर देने हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से लीजिए, आपको आना है पोस्ट के ऊपर। अब आप चाहे तो यहां पे पेजेस बना सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए आपको ये पेजेस बनाना कंपलसरी है। तो आप करंटली तो अवॉइड कर सकते हैं, बट आपको ये बनाने पड़ेंगे। अगर आप ये नहीं बनाएंगे, टर्म एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर जनरेटर, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, तो आपकी वेबसाइट जो है मोनेटाइज नहीं होगी, ये चीज आप समझ लीजिए। सो अब हमें आना है पोस्ट के ऊपर, एंड यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू पोस्ट पे। न्यू पोस्ट हम बनाने वाले हैं एंड कैलकुलेटर की, तो यहाँ पे मैं टाइटल डाल देता हूँ एंड कैलकुलेटर। सो एंड कैलकुलेटर ये टाइटल मैंने ऐड कर दिया, एंड इस टाइटल को मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे परमालिंक के अंदर कस्टम परमालिंक में इसको पेस्ट कर दूंगा कुछ इस टाइप से, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इजीली देख पा रहे हो। एंड यहाँ पे नीचे आप देखिए ये जो पोस्ट सेटिंग के नीचे आपको लेबल का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से लेबल सेटअप कर सकते हो। सो अब आपके ऑलमोस्ट ब्लॉग की सेटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको इस पेंसिल पे क्लिक करना है एंड HTML व्यू को सिलेक्ट कर लेना है। ये जो कोडिंग आपको शो हो रही है हल्की सी, इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। अब आना है आपको इस वेबसाइट के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वेबसाइट पे आपको आना है एंड कैलकुलेटर टूल पे। ये कैसे मिलेगा आपको, सो यहाँ पे आप जब इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे होम, फ्री टूल, स्क्रिप्ट, ई बुक्स, एक्सेल टेम्पलेट, ये सभी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। अब देखिए ये टूल की स्क्रिप्ट है, तो ये आपको फ्री टूल स्क्रिप्ट के अंदर मिलेगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ये दिखाई देगी, अन्यथा आप यहाँ पे सर्च करके भी इसको विजिट कर सकते हैं। सो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये टूल किस काम आता है। देखिए मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊँगा, आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दो बाइनरी डिजिट 0 और 1 के बीच एंड गेट का यूज करके उन्हें लॉजिकल कंजक्शन का रिजल्ट निकालता है। इसका उपयोग बाइनरी, एरिथमेटिक और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में होता है। एंड गेट की टेबल के अनुसार जब हम दो इनपुट बिट को एंड करते हैं तो आउटपुट तभी एक होता है, और जब दोनों इनपुट बिट 1 होते हैं, वरना आउटपुट 0 होता है। सो यहाँ पे अगर आप टेक्निकलिटीज में जाना चाहते हो तो इनको आप पढ़ सकते हो। नॉर्मली अगर आपको स्क्रिप्ट चाहिए तो आप स्क्रिप्ट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। सो चलिए मैं यहाँ से क्विकली कॉपी करके टूल बना के आपके सामने बता देता हूँ। सो कंट्रोल सी के साथ इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। सो हमने इसको कोडिंग को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम कर देते हैं इस पर्टिकुलर टूल को पब्लिश। सो हमारा टूल हो चुका है यहाँ पे पब्लिश। अब मैं आपको विजिट करके बताता हूँ कि ये टूल ऑफकोर्स वर्केबल है। यहाँ पे आप देखिए व्यू पे आपको क्लिक करना होगा। व्यू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, व्यू मीन्स ये जो आई का ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल रहा है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे देखिए ये आपकी वेबसाइट यहाँ पे आ चुकी है। अगेन मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। सो जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपकी वेबसाइट यहाँ पे आ चुकी है। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस रहेगा आपकी वेबसाइट का, जहाँ पे आपको इनपुट 1 एंड इनपुट 2 डालना है। उसके बाद आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आपके सामने आएगा। चलिए कोई रैंडम नंबर यहाँ पे अपन ट्राई करते हैं। सो कैलकुलेट करते हैं तो 32 इनपुट रखा हमने पहला, 642 हमने दूसरा इनपुट रखा, तो आउटपुट हमारे सामने यहाँ पे 0 आया। इसी तरह चलिए इनमें कुछ चेंजेज करते हैं। सो यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे कुछ चेंजेज करें तो आप देखिए यहाँ पे आउटपुट एंड इनपुट जो है
बेसिकली जीरो एंड वन एंड आप देख पा रहे हो जैसे जैसे ये चेंज होते जा रहे हैं आप टोटली देख सकते हो। सो बेसिकली अगर आप इस टूल को यूज करना जानते हो तभी आप इसको अच्छे से यूज कर पाओगे, अन्यथा ये टूल आपके लिए ज़्यादा काम का नहीं रहेगा। बट जो लोग इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये टूल बहुत ज़्यादा काम का है। तो बेसिकली ये चीज़ आपको समझनी है, अगर ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही है तो भी आपको सिर्फ वेबसाइट को बना के उसका अच्छे से SEO कर लेना है। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो जिन लोगों को इस टूल की ज़रूरत है वो आपकी वेबसाइट पर आएंगे, एंड बाद में जब अच्छा खासा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाए तब आप जो है अपने ब्लॉग को मोनेटाइज भी करवा सकते हो। यहाँ पे गूगल एडसेंस में आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पे आप देखिए अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट पहले से बना हुआ है तो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी कि आपको कैसे लिंक करना है, एंड अब तक आपने एडसेंस अकाउंट नहीं बनाया है तो क्रिएट एडसेंस अकाउंट पे आपको क्लिक करके एडसेंस अकाउंट बना देना है। बट एक चीज आप मेक श्योर करिए कि यहाँ पे पहले आप पेजेज बनाइए एंड उसके बाद ही मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तभी आपको इनेबल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, राइट? सो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। एक टोटल रेस्पॉन्सिव वर्किंग टूल मैंने यहाँ पे आपको बना के बता दिया है, आप भी मेरी वेबसाइट से ये कोडिंग लेके अपने लिए ये टूल बना सकते हैं। सो दोस्तों इतना कुछ अगर मैं आपके लिए फ्री में कर रहा हूँ तो आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। सो वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, साथ ही लाइक करिए ताकि और भी लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।